भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में चुनिंदा ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्षों में शामिल हैं जिनके अकाउंट्स YouTube, Instagram से लेकर हर बड़ी और मुख्य सोशल मीडिया साइट्स पर है और इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नियमित रूप से पोस्ट किया जाता है। नरेंद्र मोदी जी समय रहते समझ गए थे कि युवाओं से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया साइट्स उनकी बहुत मदद करेगी और इसका फायदा उन्हें 2014 और 2019 में सफल सोशल मीडिया कैंपेन के फलस्वरूप मिला भी। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइनीज सोशल मीडिया वेबसाइट वाइबो पर अपना अकाउंट बना लिया था, जिस पर पहली पोस्ट कुछ इस प्रकार से थी, हेलो चाइना, लुकिंग फॉरवर्ड टू इंटरैक्टिंग विद चाइनीज फ्रेंड्स थ्रू वाइबो। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस कदम को चाइनीज लोगों ने सराहा भी और इसी के साथ नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता वहां भी बढ़ने लगी। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत चाइना के संबंध तेजी से बिगड़ रहे हैं। दोनों देशों की तरफ से रोज नए बयान और प्रतिक्रिया आ रही हैं। भारत के लोगों का आक्रोश देखने के बाद नरेंद्र मोदी जी को भी सामने आना पड़ा और उन्होंने देश को आश्वासन दिया कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बीजिंग में भारतीय एम्बेसी के अधिकारियों ने भी अपने चाइनीज सोशल मीडिया हैंडल्स पर 18 जून को दी गई नरेंद्र मोदी जी की स्पीच और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की गलवान घटना पर प्रतिक्रिया की वीडियोस पोस्ट की थी, लेकिन चाइना ने अपने देश के लोगों को भारत की ही तरह खुले रूप से इस घटना के बारे में नहीं बताया था ताकि वहां सरकार के खिलाफ किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन ना हो, क्योंकि चाइना की तरफ से इस घटना में करीब 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे। चाइना से आ रही ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना के देसी ट्विटर वेबसाइट वाइबो पर भारतीय एम्बेसी के अकाउंट से शेयर की गई दोनों वीडियोस को डिलीट करवा दिया गया है। इसी के साथ चाइना की देसी फेसबुक वेबसाइट यानी कि वी चैट पर भारतीय एम्बेसी के ऑफिशियल अकाउंट से की गई इस घटना पर प्रतिक्रिया को भी डिलीट करवा दिया गया है। चाइनीज सरकार ने फॉरेन सोशल मीडिया साइट्स को अपने देश में इजाजत नहीं दी थी और इन सब की कॉपी वेबसाइट्स वहां खोली गई हैं ताकि चाइना के लोग दुनिया के बाकी देश के लोगों से ना जुड़ सकें और उन्हें ये बिल्कुल पता ना चले कि एक लोकतांत्रिक देश में लोगों को क्या अधिकार होते हैं। अपने देश के लोगों को कंट्रोल करना तो चलो समझ आता है, लेकिन अब दूसरे देश की एम्बेसी के अकाउंट्स की पोस्ट डिलीट करवाकर चाइना की छोटी मानसिकता सामने आ चुकी है और साथ में इस चीज का भी पता चलता है कि चाइना भारतीय सैनिकों तो दूर की बात है, भारत की एक छोटी सी पोस्ट से भी कितना डरता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत इस समय एक साथ चाइना, पाकिस्तान और नेपाल को हरा सकता है या नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।